ए और बी से नॉमिनेट करना पड़ रहा है क्योंकि दो टीमें जो है वो क्वालिफाई किए थे सेमीफाइनल के लिए दर्रीपाली की ओर से और बड़ा दिन होगा डिस्प्ले और अभी नया है कोई बढ़िया दिखो मोर चालू कर थोड़ा देखो ये अंधार हो रहा है अंधार है बाबू मैच 7-2 का होगा खिलाड़ी बंधु ध्यान देंगे समय का 7-2 का यहां से है बैटमैन देना ब्राइटनेस दिया था ये हो जाएगा अभी का जो ऑन करता है आपको आइस को दर्रीपाली ने टॉस जीत करके डिफेंड करने का फैसला किया है जैसे कि वो हर मर्तबा करते हैं और उसी को फॉलो करते हुए तड़ोला की ओर से पहला रेड किया जाएगा दर्रीपाली के कोर्ट में और उसी का निर्देश देते हुए हमारे निर्णायक महोदय और पहला रेड दर्रीपाली खेमे की कोर्ट में तो वेटिंग था ही नहीं वेटिंग आले लेफ्ट से राइट राइट से लेफ्ट मूव करते हुए 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी एम्प्टी रेड से वापस होते हुए 6 नंबर जर्सी के खिलाड़ी करते हुए कोर्ट में लेफ्ट से राइट मूव करते हुए पहला पॉइंट दर्रीपाली खाते में जुटा हुआ यहाँ पर पॉइंट लेते हुए 6 नंबर जर्सी के खिलाड़ी खाता खुलता हुआ दर्रीपाली का और अभी भी तरोला जो है वो निरंतर 48 नंबर जर्सी के खिलाड़ी रेड करते हुए चाल कदमी करते हुए लेफ्ट कॉर्नर में जो फाइनलिस्ट रहे हैं ये टीम में नजरों का खेल रहता है थोड़ा सा नजर इधर से छुआ दो एंकल होल्ड कर लिया जाता है एक बार फिर से 6 नंबर जर्सी के खिलाड़ी तरोला में के कोर्ट में रेड करते हुए एक बार फिर से एम्प्टी रेड फर्स्ट एम्प्टी रेड कहते हुए दर्रीपाली की ओर से जो डायरेक्ट तरोला के लिए 48 नंबर जर्सी के खिलाड़ी दर्रीपाली के कोर्ट में लेफ्ट कॉर्नर में कदमी करते हुए जो डायरेक्ट है दोनों टीमों को यह विजित है और शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 पॉइंट तरोला अंक हासिल करते हुए तरोला के खिलाड़ी 1-1 बराबर का खेल चलता हुआ 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी तरोला की ओर रुख करते हुए और अंक हासिल करने का स्लैम करते हुए और निर्णायक महोदय 1 पॉइंट दर्रीपाली इसी 1 अंक के साथ बढ़ता हुआ इसको दर्रीपाली 2 तरोला 1 लेफ्ट कॉर्नर में खिलाड़ी मूव करते हुए स्लिप होते हुए 48 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी और दर्रीपाली को एक और अंक मिलता हुआ 3 इसी 1 अंक से बढ़ता हुआ इसको दर्रीपाली का 3 9 नंबर खिलाड़ी के जर्सी के खिलाड़ी जो है वो शानदार और टाइम आउट फर्स्ट टाइम आउट दर्रीपाली आउट समाप्त तरोला के खिलाड़ी रेड करने के लिए लेफ्ट कॉर्नर में से राइट की ओर मूव करते हुए मार दे खाली असफल रहे उड़िया दे बेटा वो सीधा नहीं धरवे यहां पे पीछे दर्रीपाली के खिलाड़ी कॉर्नर बने खेला था वो और एम्प्टी रेड छह नंबर जर्सी के खिलाड़ी जीते हार दर्रीपाली की ओर से रेड करते हुए तरोला के खेमे में आत्मविश्वास जगा हुआ है दर्रीपाली के खेमे में क्योंकि वो 3 अंक बेटा के किए हैं और
सिटी मारे में तरने इस बार एक और आंदोलन से फोर पॉइंट मार रहे हैं पर जीत करते हुए और बढ़ता हुआ इसको गरीब पाली का पांच मोहन मार देवे थाई आकाश मार रहे निकल के डमी ले एक एक चिकोड़े ए मत्तो मार रहे आकाश डमी ले निकल के मार रहे तो वो खींच रहे रहे या या रो रो करते हुए किसी ना किसी ना है यार तबला के लिए नौ नंबर जर्सी के खिलाड़ी बस सुपर टैकल ना है वो मारी करी भले जीवो सुपर टैकल ऑन मार टैकल और शानदार सुपर टैकल किया गया टू पॉइंट तबला के लिए जर्सी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर चार अंक सुपर टैकल हवन शानदार वापसी करती हुई तबला की टीम नौ नंबर जर्सी के खिलाड़ी एट वो राइट कॉर्नर फेंक दे रहे दबदबा करते हुए और हर एक मैच में वापसी की है तरोला ने तो इस मैच में भी वही उम्मीद सारे खिलाड़ियों को और इस बार वन पॉइंट लेते हुए हरिपाल का स्कोर छह तरोला सलिटी मार बनाए क्या कर रहा झूल दे रहे मैच जीता हम लोग चिल्ला वो कर कौन खेले न भाई सनिया वो शानदार चहल कदमी करते हुए ऑन द लाइन है इसको क्रॉस करना रहता है और एक बार फिर से वन पॉइंट बता हुआ स्कोर धरनी क्या बात तरोला चार धरे भाई धर नौ नंबर जर्सी के खिलाड़ी पूरा फेंकना है जबकि तरोला चार चार ग्रीडी का भार बीरू संभाले हुए एक जबरदस्त रेडर के रूप में जाने जाते हैं बीरू अपने टीम के लिए यहाँ पर बोनस आन है लेकिन बोनस का नियम वही है ब्लैक लाइन क्या बात रहे तुम रेडर आउट एक पैसा भी पाली को पुनः मिलता हुआ और धरी पाली एक और अंक हासिल करता हुआ 12 और पासला जो है वो बढ़ता हुआ तरोला 5 धरी पाली 12 छह नंबर खिलाड़ी के जर्सी के खिलाड़ी रेड करते हुए बढ़ता हुआ स्कोर 13 धरनी पाली का तरोला वही रुका हुआ 5 फेंक मार दे मोहन सलिटी एक चीज मार दे मार दे सलिटी विश्वास उनका ऊंचा मार दे सलिटी तो वो किसे नहीं कूद रहे अभी कदमी करते हुए मार दे रहे बीजू बीजू फेंक रहे मार दे मोहन मार मोहन मार रहे मार रहे मैं तुम कबड्डी परस्यूट फर्स्ट हाफ साल स्कोर धरनी पाली 13 खिलाड़ियों के बीच में प्रमोद गुप्ता हलवे पिलाने टीम के लिए धरनी पाली के पक्ष में बनी हुई है यहाँ पर वापसी करने हुई तरोला को वापसी के लिए जानी जाती है तरोला की टीम वापस अपने कोर्ट पर तरोला खिलाड़ी खिलाड़ी राइट कॉर्नर पर राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर को इंगित करते हुए टोकस करने की कोशिश यहाँ पर दो पॉइंट तरोला को मिलता हुआ यहाँ पर अनिश गुप्ता रेडी का भार संभाले हुए 7 13 से यह मैच चलता हुआ और यहाँ पर
खंडर से फोन पॉइंट धारीपाली को मिलता हुआ बेस्ट होल्ड करने का प्रयास लेकिन असफल। इसी के साथ धारीपाली का स्कोर बढ़ता हुआ 14 अंक और तरोला 7। मिथुन मार दे बेटे नंबर जर्सी के खिलाड़ी रेड करते हुए मिथुन ठेक ले दे वो मिथुन ठेक ले दे मिथुन मार मार अपनी नजर टिकी हुई नौ नंबर जर्सी के खिलाड़ी जो है वो चार अंक हासिल करते हुए दर्री पाली के प्रभु गुप्ता अंतिम पांच में कैप्टन अंतिम पांच में पिलंदेट अच्छी कोशिश अभी तक कोई कामयाबी नहीं अपने खेमे पर वापस को दो खिलाड़ी मात्र शेष आल आउट का खतरा बन रहा था हुआ सुपर टेक लान है जबकि दर्री पाली के लंबे कद के खिलाड़ी अनिश गुप्ता यहाँ पर चाहे तो पॉइंट ले सकते हैं लेकिन यहाँ सुपर टेक लान है यदि सुपर टेकल करते हैं तो दो अंक हासिल होंगे तरोला को और यहाँ पर समय व्यतीत हो रहा है दो थ्री वापस अपने कोर्ट पर खिलाड़ी करते हुए बोनस ऑन है चाहे तो वापसी कर सकते हैं यहाँ पर इधर सूथर रनिंग हैंड टच करने की कोशिश अच्छा प्रयास किया था यहाँ पर कामयाबी नहीं यहाँ पर बोनस 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 अंक मिलता हुआ तरोला को दो खिलाड़ियों के बीच में सुपर टेकल आन है देखना है कहाँ से पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर अच्छी लीड है यहाँ पर टाइम पास करते हुए दर्री पाली के रेडर आशीष को आने वाला रही खेल फोर थ्री बोनस की ट्राई कर सेकंड हाफ फर्स्ट टाइम मात्र दो खिलाड़ी बचे हैं देखना यहाँ पर ऑल आउट बचाते हैं वापसी करनी होगी तरोला को यहाँ पर वापस अपने कोर्ट पर टू डाई का इंतजार करते हुए यहाँ पर टू डाई पर अनिश गुप्ता देखते हैं कहाँ से पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर सुपर टेकल दो पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर तरोला को शानदार डिफेंस करते हुए वो कूदे ही गिरी खेला तीन मिनट आने से क्या गुंडा बनेगा सेमीफाइनल का और अभी भी सात अंक पीछे तरोला कुछ आरामती कर्तव्य दिखाने होंगे तरोला को एम्प्टी रेड करते हुए सात नंबर जर्सी के खिलाड़ी दर्री पाली की ओर से रेड करते हुए वो बनी बाती विधि है कि उनको टाइम पास करना है बस क्योंकि उनका अभी धर के बताएगा नहीं अधिक तरोला की तुलना में बता धर के बता पार में समय व्यतीत कर रही हैं तो ये तो पॉइंट कर दे जल्दी ना दर्री पाली 18 5 4 पाले को पुनः अंक मिलता हुआ किसी ना है मुर्गे तो पैसे किसी ना है मात्र दो खिलाड़ी से पीछे सुपर टैकल आन है लेकिन कुछ नहीं हो खतरा भी यहाँ बन रहा था हुआ काफी लीड कुछ नहीं तो वो चलते 19-12 से यह मैच चलता हुआ 7 पॉइंट की लीड दर्री पाली के पक्ष में बी टीम हरादरी से हर समय का यहाँ समय व्यतीत करते हुए
12-19 से यहाँ मैच चलता हुआ मैच अंतिम क्षणों की ओर तड़ोला काफी पीछे अंतिम एक मिनट मात्र दो खिलाड़ी शेष देखना कहाँ से पॉइंट लेते हैं थर्ड रेट और यहाँ पर सुपर टेकल ऑन है और यहाँ पर सुपर टेकल करते हुए ये तो हो आराम से शानदार डिफेंस करते हुए कोई सक्सेस नहीं मिला पिटरोला 14 मैच का कुछ औपचारिकता मात्र यहाँ पर शेष रह गई है अंतिम कतार पर मात्र दो खिलाड़ी शेष और यहाँ पर समय समाप्त होता हुआ 6 पॉइंट से जो है दर्जी पाली ने यह मैच जीत करके फाइनल में प्रवेश किया और यह दूसरा सेमीफाइनल जो है वो दर्री पाली ए ने जीत लिया है और बालपुर के मध्य उनका मैच होगा फाइनल आज का फाइनल मैच बालपुर वर्सेस दर्री पाली ए के मध्य खेला जाएगा दोनों टीमों को